जाता है, फल वगैरह जितने भी मार्केट में फल आते हैं उतना हम लोग सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं, और जो भी प्रसाद बनता है वो कि पहले पहले हम छठी मैया बरता तो हा छठी मैया बरता तो हा। नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका घोसी लाइव में। हम मौजूद हैं इस वक्त नगर के प्राचीन और पौराणिक पोखरे नरोखर पोखरा पर, नगर के मझवारा मोड़ पर स्थित इस पोखरे पर। आप देख रहे हैं कि बड़ी धूमधाम से आस्था का पर्व छठ मनाया जा रहा है। ऐसे तो ये पर्व नगर के चार पोखरों पर मनाया जा रहा है, बड़ा गांव मानसरोवर पोखरा, शम्मे माँ की मंदिर के बगल में जो पोखरा है, और एक सीताकुंड पोखरा और एक नरोखर पोखरा। इस नरोखर पोखरा पर जैसा कि हम जानते हैं कि छठ की मान्यता है कि डूबते सूर्य को अर्घ और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। डूबते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा में ये नरोखर पोखरा पर हम चाहेंगे कैमरामैन से दिखाना। ये देखिए, तमाम व्रत रखने वाली महिलाएं इस पोखरे में डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए तैयार हैं। काफ़ी यहाँ पर भीड़ भाड़ है, जबकि भीड़ ये जो विगत वर्ष से रहे हैं काफ़ी भीड़ रही है, लेकिन इस बार कोविड-19 कोरोना संक्रमण के चलते काफ़ी प्रशासन और सामाजिक संगठनों के लोगों द्वारा बार बार इस मामले में भीड़ को रोकने की अपील की गई। उस अपील के तहत आज भीड़ उस हिसाब से विगत वर्षों से काफ़ी कम है। और हम देखते हैं अंदर, ये गायत्री मंदिर है और यहीं सामने उसका पोखरा है, और इसी पोखरे पर ही ये छठ का महापर्व मनाया जाता है। आइए अंदर चलते हैं, क्या चल रहा है, क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? मैं किरण श्रीवास्तव। हाँ, ये छठ का व्रत आपने आज रखा है? जी हाँ। किस तरह की तैयारी रही है? दो दिन पहले से ही घर पूरी सफाई और पूरा, मतलब जो भी इसके दिन सफाई किया जाता है, फल वगैरह जितने भी मार्केट में फल आते हैं उतना हम लोग सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं, और जो भी प्रसाद बनता है वो भी। अन्न कब आपने ग्रहण किया था? इससे पहले दो दिन पहले। और अब कब अन्न ग्रहण करना होगा? अब कल सुबह। जी देखिए, बड़ा कष्टदायक है कि दो दिन पहले ये छठ के महापर्व का व्रत ये महिलाएं रखती हैं, और दो दिन पहले के बाद और कल सुबह वह अन्न ग्रहण करेंगी। बड़ा कष्ट होता है, लेकिन शायद आस्था के आगे वो सारी चीज़ें दबी की दबी रह जाती हैं। ये छठ का महापर्व इस नगर के ऐतिहासिक नरोखर पोखरा पर चल रहा है। डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए सैकड़ों की संख्या में महिलाएं इस नरोखर पोखरा पर अपनी पूजा पाठ पूजा सामग्री के साथ पहुँची हैं, और एक बड़ी बुजुर्ग महिला हम लोग के माता समान वो भी यहाँ पर हैं। वो छठ के बारे में शायद विस्तृत जानकारी दे सकें, थोड़ा हम उनसे बात करते हैं। चाची जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? लीलावती वर्मा। ये छठ आप कब से व्रत कर रख रही हैं छठ का? छठ ज्यादा दिन से रख रहे थे, लेकिन अब छोड़ दिए। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा दिन से कर रहे हैं। किस तरह रखा जाता है छठ का व्रत? कितने दिन पहले अन्न ग्रहण किया जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है? कितना लोग तो दो दिन रहते हैं, कितना लोग एक दिन रहते हैं, और दूसरे दिन मतलब धारण किया जाता है। यानी दो दिन पहले जो लोग होते हैं, फिर उसके बाद अन्न कब ग्रहण करते हैं? तीसरा दिन। जो लोग व्रत रखी होगी, यानी सुबह, यानी कल सुबह, यानी उठते सूर्य को अर्घ देने के बाद अन्न ग्रहण करते हैं। हाँ, अन्न कल करते हैं, सूर्योदय होने के बाद अर्घ लेने के बाद। इसके पीछे क्या मान्यता रही है, क्यों रहते हैं लोग? मान्यता यही रहता है कि मतलब कि अपना शौक पूरा होता है, चाहे छठ माता जो है मन्नत पूरा करती है, जो लोग मानते हैं वो अपना पूरा करते हैं। चाची जी ने छठ के बारे में विस्तृत रूप से बताया, वो रहती थी, और जिस तरह बीमारियां आजकल चल रही हैं उनकी अवस्था भी काफ़ी है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष वह नहीं रह पाएं,
लेकिन परिवार के और लोगों के साथ हुआ, उसी परंपरा के तहत यहाँ पर आई हुई। जैसा कि हमने देखा है कि इस नगर के प्राचीन ऐतिहासिक नरोखर पोखरा पर यह छठ का पर्व मनाया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में व्रती महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए हैं। ये सारी व्यवस्था जो समिति करती है, हमारे साथ उस समिति के अध्यक्ष हरिकृष्ण मिश्रा जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह की व्यवस्था रही है। वो आपका स्वागत है घोसी लाइव में। धन्यवाद सर। शुभ नाम आपका क्या? हरिकृष्ण मिश्रा। किस तरह की व्यवस्था रही है इस बार छठ के पर्व को लेकर? बहुत अच्छी व्यवस्था, हर साल प्रशासन सहयोग करता है और हम लोग की पूरी सफाई सफाई करते हैं। अच्छा, लाइट की व्यवस्था हम करते हैं। अच्छा, दूध की व्यवस्था हम करते हैं। अच्छा अच्छा। सुबह का क्या कार्यक्रम रहता है? सुबह का कार्यक्रम वही अर्घ देती है। अच्छा। और जब सूर्य निकलता है उसके बाद वो अर्घ दे के दूध से दूध की व्यवस्था हम करते हैं, उसके बाद अपने घर चली जाते हैं। अच्छा। सूर्य की ये पूजा है। नगर पंचायत का सहयोग रहा है? हमेशा से रहा है। अच्छा, इस बार भी रहा है जी। लाइटिंग वगैरह की जी? नहीं, लाइटिंग व्यवस्था सब हम कराते हैं, कमेटी कराते हैं। वो कमेटियाँ कराते हैं जी। लाइटिंग व्यवस्था हमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस पर हमारे बीच इसी माटी के लाल, जो आज भोजपुरी फिल्मों के एक नामचीन सितारे, एक निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं, नवीन कुमार जी हमारे साथ हैं। हम चाहेंगे कि बातें सारे लोगों से हो गई और आप घोसी लाइव के माध्यम से, एक गीत के माध्यम से, दो ही पक्ति सही लोगों को शुभकामनाएं देने का काम करें। नवीन जी, आपका घोसी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। हम चाहेंगे कि अपने गीत के माध्यम से आप देशवासियों को इस छठ महापर्व की शुभकामनाएं दें। घोसी लाइव सुन रहे सभी दर्शकों का मेरा ढेर सारा शुभकामनाएं और ढेर सारा नमस्कार। ये छठ महापर्व जो है साल में एक बार आता है, लेकिन बहुत ही उत्साह, उन्नति और मतलब इतना हर्षोल्लास लाता है कि मन गदगद हो जाता है चारों तरफ। जैसा कि हमारे पत्रकार महोदय ने कहा कि दो लाइन के माध्यम से हम छठ माता के बारे में कुछ बताएंगे, तो ज़्यादा तो नहीं, एक लाइन ही बताएंगे, ठीक है? कि पहले पहले हम सही छठी मैया बरत तोहा, छठी मैया बरत तोहा। और इस गाने को गाया है कल्पना जी ने, भोजपुरी की बहुत ही अच्छी सिंगर, बहुत ही अच्छा पिरोया है उन्होंने। और श्रद्धा शिंदानी जी ने भी इस गाने को गाया था। ये छठ पर्व के बारे में दो शब्द कहना चाहेंगे। छठ व्रत सब लोग रहते हैं, लेकिन बहुत कम महिलाओं को, बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि एक्चुअली छठ माता है कौन। ये दरअसल पूजा सूर्य भगवान का है, सूर्य भगवान की। सर्वप्रथम इस व्रत को कुंती जी ने किया था, पांडवों की पांचों पांडे थे उनकी माता ने, कर्ण के लिए पहला व्रत। यानी कि पांडवों को एक तरफ से देखा जाए तो पांचवी छेद था, तो सबसे पहले ये व्रत कर्ण के लिए किया था कुंती जी ने, तो तभी से प्रचलन रहा। और सब लोग सोचते हैं कि कर्ण जैसा बलशाली, कर्ण जैसा दानवीर, हमारा भी पुत्र पैदा हो, और उसी के लिए व्रत रखा जाता है। एक्चुअली ये व्रत बच्चों के लिए है, अपने मतलब जो बच्चा हमारा हो, बच्चे बच्ची सबके लिए लोग रहते हैं माता बहन। इसी के साथ घोसी लाइव का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग देखते रहें घोसी लाइव, और बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी अच्छी न्यूज़ लाता है घोसी लाइव, और आप लोग देखते रहें। धन्यवाद। हमारे घोसी लाइव की हौसला अफजाई के लिए भी नवीन कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। छठ पर्व को लेकर व्रत रखने वाली महिलाएं इस नरोखर पोखरा पर डूबते सूर्य को अर्घ देकर अब अपने घरों को जा रही हैं। और चूंकि जिस तरह प्रशासन की गाइडलाइन का मामला है सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए, इसलिए वहां पर प्रशासन के लोग और समिति के लोगों ने रोक कर थोड़ी थोड़ी संख्या में इनको घर भेजने का काम किया है। ये एक बार घोसी लाइव की तरफ से आप सभी देशवासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अगली अपडेट के साथ मिलते हैं फिर कहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।